बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों के लास्ट क्लास के कमेंट्स को पढ़ा, आप में से कई स्टूडेंट ने कई टॉपिक्स को कवर करने के लिए बोला है, तो उन टॉपिक्स को हम अपने मॉक टेस्ट में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैम ने अभी तक मेरा टॉपिक नहीं कवर किया है, तो आप नेक्स्ट क्लास में भी प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि मैम इस टॉपिक को कवर करिए। आप में से कई स्टूडेंट ने एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए बोला है, तो आज के क्लास में हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी डिस्कस करेंगे। कईयों ने कहा है कि मैम जियोग्राफी को मैप के थ्रू डिस्कस करिए, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समय मैं आप लोगों का लूंगी और आप लोगों को टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगी। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को एंटायर सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। जो सॉल्व पीडीएफ होगी उसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और जो प्रश्न होंगी वो आपके बायलिंगुअल होंगे, तो इंग्लिश हिंदी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी भी माध्यम की स्टूडेंट को। और साथ ही साथ आपको 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा जिसमें कि 3000 प्रश्न होंगे और 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है। अगर इस टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए क्लास, तो यहाँ पर दो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम मार्कर को थोड़ा सा और डार्क लीजिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा अपने मार्कर की साइज भी बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। ऐसा कोई भी डाउट रहता है क्लास, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको हम क्या कहते हैं। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज विच चेंजेस सीक्वेंशियली एट अ सर्टेन प्लेस, मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्लेस में पहले डिफरेंट कम्युनिटीज थी, अब डिफरेंट कम्युनिटीज आ गई है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम, सीलियर, सामुदायिक गतिकी या फिर जैव भार का पिरामिड। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। पारिस्थितिक अनुक्रम की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन करिएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन इसके लिए करेक्ट टर्म है। दूसरा आपका सीयर दिया गया है, फिर सामुदायिक गतिकी दिया गया है और जैव भार का पिरामिड। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी, सीयर आपका सही उत्तर है। आप क्या ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया था, मैं बता दूं ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट्स थे वो दो टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज हुए थे, पहले और दूसरे, पारिस्थितिक अनुक्रम में और सीयर में, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, सीयर की डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखी है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। हम क्या कह रहे हैं, वो बदल रहा है, और किसका कौन बदल रहा है, समुदायों का पूर्ण क्रम, ठीक है। जो कम्युनिटीज हैं वो आपकी बदल रही है, अभी आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा टर्म आपको दिया गया है वो है पारिस्थितिक अनुक्रम, जिसको कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा क्लास, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे। अब ये देखिए, अब आप ऐसे समझ लीजिए दो मिनट कि हमारी पृथ्वी जब बनी तो हमारी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, कोई घास वास भी कुछ भी नहीं था। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि बड़े बड़े पत्थर हैं हमारे पृथ्वी पर, इमेजिन करिए खाली बेयर रॉक्स हैं, बड़े बड़े पथरीले पत्थर हैं। समय के साथ ये पत्थर टूटने लगे, मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सॉइल फॉर्म होने लगी, सॉइल फॉर्म होने लगी, कहीं से मॉइस्चर आया, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आई, तो एक छोटी सी घास उगी, ठीक है। इस छोटी सी घास के उगने से फिर धीमे धीमे समय और बीता, अब जो ग्रासेस थी वो आपकी बड़ी होने लगी, बड़ी बड़ी घासेस उगने लगी। अब इन ग्रासेस को रिप्लेस किया छोटे छोटे प्लांट्स ने, अब
हमारी पृथ्वी पर प्लांट्स उगने लगे, फिर इन छोटे छोटे प्लांट्स को मीडियम साइज के प्लांट ने रिप्लेस किया और देखते ही देखते ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हमारे पृथ्वी पर उगने लगे, ठीक है। और एक ऐसे समय आया कि यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर गया, मतलब पूरा फॉरेस्ट बनकर तैयार हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये चीज समझ में आया। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी आपका दो तरीके का होता है, एक प्राथमिक एक द्वितीय, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव में एक दो दिन का समय नहीं लग रहा है, हंड्रेड ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। कैसे, यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन में पहले आपके खाली रॉक्स थे, ठीक है, पत्थर थे, ये सब थे, और देखते ही देखते जैसे समय बीता एक पूरा फॉरेस्ट बनकर तैयार हो गया। ये क्या है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पूरा फॉरेस्ट बनकर तैयार हो गया है तो हम इसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। पूरी तरीके से ना, पूरी तरीके से आपका जो है फॉरेस्ट बनकर तैयार हो गया तो इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पर जब चीजें स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्पीशीज आपके, जब छोटे छोटे ग्रासेस थे तो खाली ग्रास होपर्स थे, ठीक है, थोड़े बड़े ग्रासेस हुए, यहाँ पर स्नेक्स आए, रैट आए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो कम्युनिटीज रह रही है उनके में भी बदलाव हो रहा है, ठीक। जब बड़े बड़े ग्रासेस हुए तो हमने देखा यहाँ पर हिरन भी आ गए हैं, ठीक है, और जब बड़े बड़े पेड़ हुए तो हमने देखा जिराफ भी आ गया है। तो ये क्या हो रहा है, जो स्पीशीज यहाँ पर रह रही हैं उनके में भी बदलाव आ रहा है। तो जो हम पढ़े थे चेंज ऑफ कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शेयर कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब इसको मैं आप लोगों को एक बार हिंदी में भी दिखा दूं ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर क्लास ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिए अग्रणी अवस्था दिया गया है ना, अग्रणी अवस्थाएं, यहाँ पर मध्य अवस्थाएं, और यहाँ पर चरमोत्कर्ष अवस्थाएं, जिसको कि हम क्लाइमेक्स कह रहे हैं, ठीक है। अग्रणी अवस्थाएं में क्या है, पहले नग्न चट्टानी है, चट्टानों में कुछ भी नहीं है, फिर समय के साथ छोटी छोटी घासें निकली, बड़ी बड़ी घासें निकली, पेड़ पौधे और पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो गया देखते देखते, यही आपका क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। अब यहाँ पर एक दो चीजें और जो आपको समझना है आपके परीक्षा की दृष्टि से, वो ये है कि डिफरेंस क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राथमिक और द्वितीयक में। समझिएगा, जब मैंने आपको बोला कि हम एक बेयर रॉक से स्टार्ट करें, मतलब इसके पहले इस जगह पर कोई भी स्पीशीज नहीं थी, कोई भी जीव जंतु नहीं थे, कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, हमने एकदम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया है, और समय के साथ हमने देखा कि आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई है, पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो गया, तो वो प्राइमरी है, वो प्राथमिक है। लेकिन अगर आप देखते हैं अक्सर जंगलों में आग लग जाती है, क्या लग जाती है, जंगलों में बहुत बड़ी आग लग गई और पूरा पूरा जंगल आपका भस्म हो गया, पूरा पेड़ जल गया, तो वहां पर भी अब क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, बस मिट्टी बची है। लेकिन इस मिट्टी में अभी भी छोटे थोड़े मोड़े बीज बचे होंगे, फिर पानी आएगा, फिर ये बीज आके पनपना शुरू होंगे, और धीमे धीमे देखते देखते ग्रासेस होंगे, पेड़ उगेंगे, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा फॉरेस्ट आपका फिर डेवलप हो जाएगा। ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन है। यहाँ पर हमने नग्न चट्टानों से नहीं स्टार्ट किया था, बेयर रॉक से नहीं स्टार्ट किया था, यहाँ पर पहले ही आपके फॉरेस्ट थे, वहां पर इन्हीं कारणों से उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, आग लग गई या कुछ भी, अर्थक्वेक आ गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। अब वहां पर फिर ये प्रोसेस धीमे धीमे स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय कहेंगे, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट बताऊंगी, जल्दी जल्दी सुनना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण जो है वो दीर्घकालिक होता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण में प्रथम की अपेक्षाकृत कम समय लगता है। तो अफकोर्स ये बात है, जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो वहां पे बेयर रॉक था, नन चट्टानें थी, ठीक है, नन चट्टानें थी, कुछ नहीं था, तो ये प्रोसेस धीमे धीमे है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन में देखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, एक जंगल था, वहां पे आग लग गई, ठीक है, आग लगने के कारण जंगल तो आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन वहां पर अभी सीड्स आपकी है, मौजूद है, थोड़ी बहुत हरा भरा भी है, तो उसको डेवलप करने में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में उसके प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में कम समय लगेगा, ठीक है। कोई चीज
का डिस्ट्रक्शन हो गया है उसको फिर से डेवलप करने में कम समय लगेगा अगर हम उसको कंपेयर करेंगे एक ऐसी चीज जहां पर कुछ भी नहीं था, बैरन कुछ भी नहीं था। दूसरा, प्राथमिक अनुक्रमण जीवन बहित क्षेत्रों से प्रारंभ होता है। मैंने आपको बताया ना, वहां पर कोई भी ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना जीव थे, ना जंतु थे, कुछ भी नहीं था, पेड़ था, ठीक है। जबकि द्वितीय में पहले जीवन के विनाश की बात प्रारंभ होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है क्लास। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीजें। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बना है और पूरी संभावना है आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न यहाँ से बने और प्रश्न का हो सकता है लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इसीलिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और बताकर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगी। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए और परीक्षा में ये ऐसे ही पूछेगा। देखिए, न्यूडेशन की हमने बात की, मैंने आपको दिखाया था ना जब यहाँ पर कि जब हमने प्राइमरी सक्सेशन की बात की थी वहां पर बेयर रॉक्स थी, नम्न चट्टानें थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो जब भी अनुक्रमण आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है तो वो न्यूडेशन से स्टार्ट होता है, फिर इन्वेजन होता है, बहुत सी स्पीशीज वहां पर आती है, रहने लगती है, फिर स्पीशीज में ही एक कंपटीशन होने लगता है। अब आप सोचो अगर कोई ग्रासलैंड डेवलप कर गया है, वहां पर हिरन है, शेर है या फिर टाइगर है, तो इन लोगों के लिए अपने खाने को लेकर कंपटीशन होगा। दो टाइगर टाइगर के बीच में अपने खाने को लेकर कंपटीशन होगा, हिरन हिरन के बीच में कंपटीशन होगा, या फिर अदर अदर स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है। किसी हिरन मरा हुआ पड़ा है तो एक शेर है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा शेर है तो दोनों को वो खाना है, ठीक है, तो ये कंपटीशन होगा, ठीक है। रिएक्शन भी हम देखेंगे क्या होगा, जब पेड़ पौधे आपके उगेंगे, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग इन लोगों के बच्चे भी पैदा होंगे, तो ये पूरा आपका एक प्रोसेस डेवलप होता रहेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको कि हम क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजेशन, जहां पे चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी, आपका पूरा जो फॉरेस्ट है वो आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के ये जो पांच स्टेप है उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले न्यूडेशन है, फिर इन्वेजन है, फिर कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन है, फिर रिएक्शन है, फिर स्टेबलाइजेशन है। ये इस तरीके से ये पूरी साइकिल प्रोसेस चलती है, तो ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सबसे पहले क्या है, न्यूडेशन है, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। फिर इन्वेजन है, इन्वेजन मतलब क्या, अटैक हो रहा है ना, किसी कहीं पर इन्वेड किया जा रहा है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है क्लास, उसके बाद रिएक्शन है, रिएक्ट भी चीजें होंगी, और लास्ट में जो लास्ट स्टेप है स्टेबलाइजेशन है, जिसको कि हम क्लाइमेक्स कहते हैं। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जितने भी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिक स्थायी मितवेयता है या किस आंदोलन का नारा था, इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, ये किस में बोला गया था। अब ये प्रश्न आपके यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए किस में बोला गया था, एपिको आंदोलन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन में, चिपको आंदोलन में, या फिर उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इक्वालिटी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, ये आपके चिपकू आंदोलन में बोला गया था, सी आपका सही उत्तर है। ऐसे जो स्टेटमेंट हैं ये आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, जैसे कुछ आंदोलन को देखते हैं, कुछ मूवमेंट्स को हम लोग रिवाइज करते हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले साइलेंट वैली मूवमेंट की बात की गई। साइलेंट वैली मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1978 में, आप याद रखेंगे, कहां पर, केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर मेनली ये आंदोलन किस चीज के अगेंस्ट था, तो प्रस्तावित पनबिजली बांध परियोजना से शांत घाटी और इसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था, मूवमेंट साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, साइलेंट वैली को ही प्रोटेक्ट करने के लिए 1978 में केरल में। अगला हम देखते हैं यहाँ पर,
अगला देखिए क्लास, यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन की हम बात करें, तो चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको याद रखना है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य लोग इसमें शामिल थे। आंदोलन में क्या था, पेड़ों को काटने से रोका जा रहा था। इसको चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया था, इस वजह से हम इसको हग मूवमेंट भी कहते हैं। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ईयर याद रखिएगा, चंडी प्रसाद का नाम याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पर बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो ये 1700 में हुआ था। बिश्नोई आंदोलन में भी क्या हुआ था, जो वहां के जो किंग थे उन्होंने पूरे जंगल को काटने के लिए बोल दिया था, तो जंगल में जो लोग रह रहे थे वो भी पेड़ के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनको नहीं काटने देंगे, अगर आपको इनको काटना है तो पहले आप हमें मारिए, ठीक है, हमको मारिए फिर जंगलों को काटिएगा। और राजा को अपना महल बनाना था वुड से, इसी वजह से उसने ये ऑर्डर दिया था। जब बाद में राजा तक ये बात पहुंची कि लोग पेड़ों को नहीं काटने दे रहे हैं, वो खुद आकर खड़े हो गए, तो उन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया था। बहुत लोग मरे भी थे कुछ लोग, ये याद रखिएगा। ये कहां पर हुआ था, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में, ठीक है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1973 में। इसी के साथ हम लोग दूसरे आंदोलन को देखते हैं, अपीको आंदोलन की बात करेंगे, तो ये भी आपका चिपको आंदोलन की तरह ही था, हग मूवमेंट की तरह ही था, बस ये आपका कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अब वहां पर जाकर खड़े हो गए थे। तो ये आपका यहाँ पर नाम याद रखेंगे, पांडुरंगा हेगड़े का नाम आप याद रखेंगे, और ये पश्चिमी घाट के ग्रामीण सतलानी और आसपास के गांवों की महिलाओं और युवाओं द्वारा किया गया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपको पता है नर्मदा है तो नाम से क्लियर हो रहा, वहां पे साइलेंट वैली मूवमेंट था, तो वो साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ये 1985 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पूरा, ठीक है। यहाँ पर जो नेता लोग थे वो थे, आपको याद रखना है मेधा पाटकर का नाम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे नर्मदा आंदोलन से रिलेटेड। और इसमें भी क्या था कि जो बांध डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लोग वहां रह रहे थे, कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं उनको वहां से हटना पड़ता, कोई जंगल है या नदी का रास्ता है तो उसके अगल बगल जो भी हैबिटेट्स है उसका डिस्ट्रक्शन होता है ना, इसी वजह से जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो इनके अगेंस्ट होती है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित थे, अभी हमने देखा एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, ये भी परीक्षा में पूछा है। हमने यहाँ पर पादप संरक्षण की बात की थी, ठीक है, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने की बात, इसको हम हग मूवमेंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्लास अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक पच्छाप की माप की इकाई क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मेजरमेंट हम किस यूनिट में करते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूरी संभावना है पूछा जा सकता है। भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉक्स क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन, तो एबीसीडी में से जो आपका सही उत्तर है वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम मेजर करते हैं ग्लोबल हेक्टेयर में, ए आपका सही उत्तर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं ताकि आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर ये स्लाइड है, ठीक है, कितना अच्छा यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिटरमाइन हाउ फास्ट ह्यूमन कंज्यूम एंड प्रोड्यूस वेस्ट कंपेयर टू हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस रिसोर्सेज। हम और आप क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। हमको खाना कहाँ से मिल रहा है, खेत से मिल रहा है, ठीक है, लकड़ियां कहां से मिल रही है, जंगल से मिल रही है। तो हम और आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं, ये चीज जानते हैं ना, ह्यूमंस आर कंज्यूमर, ठीक है, हम आप सब क्या है, कंज्यूमर है, हम लोग चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। और हम किसी भी चीज को जब कंज्यूम करते हैं तो हम वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, इस कपड़े को ही ले लीजिए, अगर इसको आज हम लोग पहन रहे हैं तो एक समय बाद ये आपके किसी भी
मतलब यूज का नहीं रहेगा, तो ये आपका वेस्ट में भी कन्वर्ट होगा। आप लोग जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या मैं जो डिजिटल बोर्ड यूज कर रही हूँ, इससे मैं पढ़ा रही हूँ, आज तो मैं इस पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि कुछ समय बाद ये आपका किसी यूज का नहीं रहेगा और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ह्यूमंस चीजों को कंज्यूम करते हैं, ये चीज समझेगा बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो लोगों की बात करते हैं, एक ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, आप ठीक है, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम नेचर की बात कर रहे हैं। जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं, चीजों को कंज्यूम करते हैं, और जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हम वेस्ट भी जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, कूड़ा कबाड़ा, वेस्ट जनरेट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रकृति है, नेचर है, जो कि चीजों को क्या करती है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है, समझेगा, वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है और क्या करती है, और रिसोर्सेस को प्रोड्यूस करती है, रिसोर्सेस को यहां पे मैं लिख देती हूँ, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमारी जो प्रकृति है, जब हम प्रकृति में कूड़ा फेंक रहे हैं, अखबार फेंक रहे हैं या कुछ भी पेड़ काट के फेंक दे रहे हैं, तो वो कुछ समय बाद सड़ेगी, ठीक है, गलेगी, फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगी। तो हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, हमारा नेचर, हमारा एनवायरमेंट चीजों को, जो वेस्ट हमने प्रोड्यूस किया उसको धीमे धीमे एब्जॉर्ब करता है और फिर नए रिसोर्सेस को प्रोड्यूस भी करता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, समझेगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये बताता है कि जो ह्यूमंस हैं वो कितनी जल्दी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, और हमारी जो प्रकृति है वो चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है वेस्ट को और नई चीजों को प्रोड्यूस कर रही है। इन दोनों में से कौन फास्ट है, दोनों में रेस चल रही है आज, और जब ये रेस में ह्यूमंस आगे बढ़ेंगे ना तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब आप समझ रहे होंगे ये चीज, क्योंकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिटरमाइन हाउ फास्ट ह्यूमन कंज्यूम एंड प्रोड्यूस वेस्ट, कंपेयर्ड, किससे कंपेयर करें, हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस रिसोर्सेस। तो ये चीज समझिएगा, यहाँ पर किसको जीतना है इस रेस में, हमारे नेचर को जीतना है, ठीक है, हमें कम से कम वेस्ट को जनरेट करना है। अब इस बीच के क्लास में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, आज थोड़ी सी आपको अपनी मन की बात बताती हूँ, बस एक मिनट का टाइम लूंगी। जब भी मैं कहीं पर भी घूमने जाती हूँ, किसी भी स्थान पे घूमने जाती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा दुख जानते हैं क्या देख के लगता है, वेस्ट को, और वो भी प्लास्टिक वेस्ट। मैं टेम्पल में जाऊं, किसी भी स्टेट में जाऊं, वहां पर आप देखेंगे कि चिप्स के पैकेट्स पड़े रहते हैं, बिस्किट के पैकेट्स पड़े रहते हैं। आप यहां तक कहीं पर भी आप किसी घाटी पे चले जाइए, घाटी में खूब सुंदर सुंदर आपको पेड़ दिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उन पेड़ों के बीच में आपको प्लास्टिक के रैपर्स दिखेंगे, तो वो देख के बहुत दुख लगता है। ठीक है, चलो तुम घाटी में घूमने गए, अरे बैग था ना, तो उस प्लास्टिक के वेस्ट को उस घाटी पे फेंक के नहीं, अपने बैग में रख के डस्टबिन में ले जाके डाल दो। तो ये चीज देख के बहुत दुख लगता है, तो इसीलिए आज बीच क्लास में आपसे बोल दिया। तो कोशिश करिए क्लास की हम कम से कम वेस्ट को जनरेट करें, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें। हम लोग कहते हैं ना रिसाइकिल, रीयूज, ठीक है, रिसाइकिल करिए चीजों को, अगर जितना हो पाए चीजों को रीयूज करिए, कर सकते हैं ना हम लोग, कुछ चीजें तो हम लोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अपने कंजप्शन को, हाँ हम अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक का थैला ही मार्केट से लेके आए, बार बार गवर्नमेंट हमारी ये इनिशिएटिव लेती है कि प्लास्टिक को बैन किया जाए, क्यों नहीं बैन हो पा रही, क्योंकि हम सब्जी लेने जाते हैं प्लास्टिक का अपना एक बैग ले जाना भूल जाते हैं, फिर एक किलो आलू एक प्लास्टिक में, दो किलो प्याज एक प्लास्टिक में, भिंडी दूसरे प्लास्टिक में, ले आए पांच छह प्लास्टिक एक साथ। तो उन्हीं सब चीजों को हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, ठीक है, रीथिंक करना है, चीजों को सोचिए एक दो बार। चलिए अभी यहाँ पे एनवायरमेंट की क्लास नहीं है तो इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा आज मन किया आप लोग से बोलने का, हो सके तो कूड़ों को सड़कों पे मत फेंके, कोई आपको देखे चाहे ना देखे, एथिक्स का एक टर्म होता है इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी मतलब क्या, जो मैं बोल रही हूँ वही मैं करती हूँ, वही चीज मेरे एक्शन में दिख रही है, मेरी स्पीच में दिख रही है, और मेरे करने में भी वही चीज दिख रही है, भले कोई आपको देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, ठीक है, भले भीड़ हो चाहे ना हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं भीड़ देखेंगे तो नहीं कूड़ा बाहर फेंकेंगे, लेकिन जब देखेंगे सड़क पर कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, तो ऐसे कूड़ा फेंक देंगे, ये भी काम आपको नहीं करना,
प्लास्टिक गंदे नहीं करने आपको, अपनी नदियां गंदी नहीं करनी है, ठीक है, हमें थोड़ा सफाई करनी है। चल तो यहाँ पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में इन्हीं दोनों के बीच में एक रेस चल रही है जिसमें किसको जीतना है, हमारे नेचर को जीतना है ना कि ह्यूमंस को जीतना है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो डिटरमाइन हाउ फास्ट ह्यूमन कंज्यूम एंड प्रोड्यूस वेस्ट कंपेयर टू हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए ये लैंड है, जमीन पर घर कौन बनाएगा, हम आप बना रहे हैं, ठीक है, जमीन को यूटिलाइज हम कर रहे हैं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को काटकर फर्नीचर्स पेपर्स कौन बना रहे हैं, हम और आप बना रहे हैं। तो कितनी जल्दी हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं और कितना समय लग रहा है उस फॉरेस्ट को रीग्रो करने में, ठीक है, तो कोशिश करिए कि फॉरेस्ट जल्दी रीग्रो करे और हम लोग पेड़ धीमे धीमे काटे, हमारी अपनी स्पीड स्लो करनी है इस चीज में और नेचर को ज्यादा समय देना है। इसी तरीके से चीजें दी गई है यहाँ पर, ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा क्लास, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और टर्म है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन फुटप्रिंट और दूसरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके कंजप्शन के सारे तरीके के वेस्ट की बात होगी। कार्बन फुटप्रिंट पे हम लोग किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, कार्बन पे, कि हमारे द्वारा ह्यूमन द्वारा कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है और नेचर द्वारा कितना कार्बन कंज्यूम हो रहा है इसके बीच में, ठीक है। नेचर हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ओशियंस में फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो एज अ ह्यूमन हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे नेचर जो है जो प्रकृति है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो इसको हम इसमें देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट में देखते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में हम हर दायरे को लेंगे, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों को इसमें भी डील करेंगे नेचर में। ये चीज समझ में आया क्लास। चल अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न। कहीं पर भी लगता है कि मैम थोड़ा सा बताने लगी, भावुक हो रही है तो आप वीडियो को भगा दिया करिए, लेकिन कभी कभी एज अ टीचर एज अ ह्यूमन मन करता है कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ बातें बोले। अगर मेरे बात को एक दो स्टूडेंट भी सुन लेंगे तो मेरे लिए उतना बहुत होगा। तो आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको बनना है, चाहे सरकार झाड़ू लगवाए चाहे ना लगवाए, हमें अब हम जहां पर बैठते हैं हमें उसे तो स्वच्छ रखना है, ठीक है। ये चीज देखिए, बोला जाता है अक्सर बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है एक चीज कि अगर कुत्ता भी कहीं बैठता है तो वो साफ करके बैठता है ना, ऐसे खोद के अपना साफ करके उस स्थान पर वहां पर जाके बैठ। तो हम लोग तो कहीं भी रह रहे तो हमको तो स्वच्छता हमारे अंदर होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। हमें जहां पर भी हम हैं, हमारे दुकान है, हमारा घर है, या फिर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम गंदगी ना फैलाएं और हम कोशिश करें कि हम चीजों को स्वच्छ रख सके, साफ सुथरा रख सके। अब देखिए पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देख लीजिए क्लास क्या है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड टू मेक अ ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली सस्टेनेबल, लिविंग बीइंग, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायोम या फिर नेचर। तो यहाँ पर आपका इसका भी उत्तर क्या होगा, ये आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा, ठीक है। मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड टू मेक ह्यूमन बीइंग लाइफ कंप्लीटली सस्टेनेबल, ये चीज याद रखिए, हम पूरे ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन की, उसको खाने की भी आवश्यकता, उसको रहने के लिए घर की भी आवश्यकता है, ठीक है, उसको पंखे की भी आवश्यकता है, उसको सोने के लिए बेड की भी आवश्यकता है, जो भी बेसिक नीड्स है, तो सब कंप्लीट सस्टेनेबल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म आपका दिया गया है निकेत नीच, ये भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगी। आप सभी का घर है, घर है ना, सबका सुंदर सा घर है। इस घर को हम अगर एनवायरमेंट के टर्म में पढ़ेंगे, जहां पर हम रह रहे हैं इस घर को हम क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे, ठीक है, हैबिटेट, ये हमारा हैबिटेट है जहां पर हम रहते हैं। ऐसे जानवरों का भी हैबिटेट जंगल होता है। इस हैबिटेट में मदर है, मम्मी है, पापा है, फादर है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं समझ लो, दादी है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर, सब लोग हैं, ठीक है, सब लोग हैं। सब लोग कहाँ पर रह रहे हैं, हैबिटेट में रह रहे हैं, सब एक ही स्पीशीज से, ठीक है, सब ह्यूमन से, समझ में आ रहा है। लेकिन इन सब का अपना अपना कुछ अलग रोल है, फंक्शनल रोल है। जैसे मदर थोड़ी केयर दिखाएगी,
ठीक है, अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी, देखेगी उन्होंने खाना खाया कि नहीं, अगर वो स्कूल से डांट खा के आएंगे तो उनको प्यार करके समझाएगी, कोई बात नहीं बेटा, बार बार ये एहसास दिलाएगी, लव केयर ये सब मदर, ठीक है। फादर की बात करेंगे तो फादर मदर तो आप दोनों फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कंपैरिजन मत करिएगा, मैं समझा रही हूँ। फादर है तो फादर थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, पॉकेट मनी देंगे, स्कूल की फीस सबमिट कर देंगे, मदर भी ये काम कर सकती है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये चीज बोली है, तो इस पर कोई गुस्सा मत होइएगा प्लीज, खासकर लड़कियां मत गुस्सा होइएगा कि मैम आप ऐसे क्यों कह रही हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मदर केयर लव सपोर्ट, फादर फाइनेंशियल सपोर्ट केयर सपोर्ट ये भी करते हैं, इसी तरीके से बच्चे हैं, कोई नर्सरी में पढ़ रहा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, अब तीनों में मारपीट हुई या कोई काम कर रहा है, ऐसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रोल है ना सबका, जो फंक्शनल रोल है वो अलग अलग है, ठीक है। जब हम किसी भी स्पीशीज के फंक्शनल रोल की बात करते हैं उसके हैबिटेट में, तो वो क्या कहलाता है, वो निकेत कहलाता है, वो नीच कहलाता है, ये चीज समझिएगा, ये चीज समझ में आया। ये और इस टर्म को दिया किसने है, ग्रिंडल ने दिया है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ग्रिंडल द्वारा ये टर्म दिया गया है नीच, जिसको कि निकेत कहते हैं। निकेत मतलब सारे स्पीशीज का अपना अपना एक फंक्शनल रोल रहता है, और ये जो उनका फंक्शनल रोल रहता है वो दूसरे स्पीशीज से अलग रहता है, किन्हीं भी दो स्पीशीज का फंक्शनल रोल सेम नहीं हो सकता है। जो काम हमारी माँ करती है वो काम हमारे पिताजी नहीं कर पाएंगे, जो काम हमारे पिताजी करते हैं वो हमारे भाई बहन नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे भाई बहन करते हैं वो हमारे माता पिता नहीं कर पाए। तो सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल है, तो इसी फंक्शनल रोल को हम क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं, नीच कहते हैं, जो कि टर्म किसके द्वारा दिया गया था, ग्रेनलैंड द्वारा दिया गया था, परीक्षा में पूछा गया है। अब चीजें क्लियर हो गई ना क्लास, जितना मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। अगला प्रश्न हम देखेंगे भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो बताइए कौन सा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। जैव विविधता की दृष्टि की बात की गई है तो हमने सुना होगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, भारत में भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां पर हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जैव विविधता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, बी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी क्लास, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब हम बात करेंगे तो परीक्षा में पूछा जा सकता है ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी उसके लिए स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये टर्म दिया गया है नॉर्मन मायर्स द्वारा, इनका नाम याद रखिएगा, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने ये टर्म दिया था, इस चीज को आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हॉटस्पॉट मतलब जहां पर जैव विविधता बहुत है, मतलब कई जीव जंतु आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, कई प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत जड़ी बूटियां और बूटियां सब मिलेगी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। चल ये चीज क्लियर हो गई, अब यहाँ पर देखिए हम दूसरी स्लाइड को देखते हैं। अगर आपसे कभी परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट पूछे करे और आपसे पूछ ले कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, तो मैंने ये तो बोला कि बहुत जीव जंतु होने चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक दिया है तो ये दोनों क्राइटेरिया आप याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्लास, अगर परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट करेगा तो इस तरीके से पूछेगा। सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है द एरिया शुड हैव एटलीस्ट 1500 मतलब 1500 वस्कुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट एज एंडेमिक, मतलब जिस भी रीजन को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना चाहते हैं वहां पर हमें 1500 स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज होनी चाहिए यहाँ पर, और ये एंडेमिक होनी चाहिए मतलब इसी रीजन से बिलोंग करने चाहिए। अब आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि मैम मैं क्या करता हूँ, अपने मेरा बहुत बड़ा खेत है मैम, बहुत बड़ा खेत है, मैंने कहा अरे वाह बहुत बड़ा खेत है तुम्हारे पास, तो यस मैम
अब उस खेत में मैं अलग अलग जगह से 1500 स्पीशीज ला के छोड़ने जा रहा हूं, आप मेरे बस इस खेत को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा दो। तो मैं नहीं करा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म दिया है एंडेमिक, मतलब जिस भी एरिया को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कराएंगे उसी एरिया में ये स्पीशीज पहले से मौजूद होने चाहिए, वहीं से बिलोंग करने चाहिए, एंडेमिक होने चाहिए। ठीक है, 1500 वास्कुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट एज एंडेमिक, याद रखिएगा। साथ ही साथ देयर मस्ट बी अ थ्रेटेंड लिस्ट ऑफ IUCN व्हिच मींस इट शुड हैव लेफ्ट 30% और लेस ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन भी हुआ है अच्छा खासा, जिसके वजह से अभी खाली आपके 30% या उससे भी लेस नेचुरल वेजिटेशन ही बची हुई है। ये दोनों क्राइटेरिया होते हैं किसी भी स्थान को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं एक खेत में 1500 स्पीशीज लाकर या प्लांट्स लाकर लगा दूंगा, स्पीशीज ले आऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगा दूंगा, तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एंडेमिक होने चाहिए, साथ ही साथ वो जो एरिया है IUCN की लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशीज वहां पे होने चाहिए और मात्र 30% या उससे कम ही नेचुरल वेजिटेशन वहां पे लेफ्ट होनी चाहिए। हम हॉटस्पॉट क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? हम उन एरिया को कंजर्व करने का प्रयास करेंगे ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। हम नेचुरल पार्क बनाने, हम नेशनल पार्क बनाने की या वाइल्ड सेंचुरीज बनाने की बात क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हम उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इस वजह से। तो जब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी क्या है, थ्रेटेंड लिस्ट ऑफ IUCN व्हिच मींस इट शुड हैव लेफ्ट ओनली 30% और लेस ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये दोनों क्राइटेरिया प्लीज क्लास आप याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब भारत में हम लोग देख लेते हैं, भारत में प्रमुख चार जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हिमालयन रीजन, ठीक है, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। इसको करिए, क्या है सुंडालैंड? सुंडालैंड में आपके अंडमान निकोबार वाला रीजन आएगा। ठीक है, चलिए मालदीव तो दूसरा देश हो गया, यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है वो सुंडालैंड में आएगा। तो भारत में प्रमुख चार जैव विविधता हॉटस्पॉट अगर हम देखेंगे तो हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन हो गया और इधर पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्लास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, वो है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी समिति बनी थी? तो पहली समिति का नाम आप याद रखेंगे गॉडविल समिति, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और दूसरी समिति जो है वो है कस्तूरी रंजन समिति। गॉडविल समिति की बात करेंगे तो 2011 में ये फॉर्म हुई थी आपकी, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न घाट है उसे ESS जोन, ठीक है, ESA जोन संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। और कस्तूरी रंजन समिति जो थी उन्होंने भी इसको प्रिजर्व करने के लिए बोला था समुचे क्षेत्र के बजाय पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्र का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए और प्लस ESA में खनन, उत्खनन और रेत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो भी आपके सेंसिटिव जोन है वहां पर किसी भी तरीके का खनन, माइनिंग ये सब नहीं हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट को से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज थी आपकी, तो गॉडविल समिति का नाम याद रखेंगे, कस्तूरी रंजन समिति का नाम याद रखेंगे, और ये समितियों के नाम आप अपने मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्लास, देखिए नंबर ऑफ प्रश्न भले घट रहे हो लेकिन जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं ये वो सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? अभी हमने देखा यहाँ पर कौन सा रीजन है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट सी आपका सही उत्तर है, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, चलिए अगला प्रश्न आठवां प्रश्न देखते हैं, यहाँ से देखिएगा क्लास आठवां प्रश्न क्या है, एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है, कारण एजर्शन दिया है, अभिकथन दिया है, ठीक है, फाइटोप्लैंकटॉन्स जो है वो लिम्नेटिक क्षेत्र में आपके अधिकतम इनकी वृद्धि होती है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप अधिकता में वृद्धि करते हैं। फिर दूसरा आपको दिया है कि जो लिम्नेटिक क्षेत्र में है पानी खुला है इस वजह से,
तो यहाँ पर ये आपके पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया है, तो मैं आपको बता दूं ये एक पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लिम्नेटिक जोन होता क्या है। पहला पता चलिए ना कि क्या बोला गया है, जो फाइटोप्लैंकटॉन्स है वो लिम्नेटिक जोन में आपके ज्यादा उगते हैं। क्यों? क्योंकि लिम्नेटिक जोन जो है वो ओपन एरिया है। यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है और आंसर आपका बी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको ये फिगर। यहाँ पर क्लास ये एक लैंडमास है, जमीन है, ठीक है, लैंडमास है। इधर हम वाटर वाला एरिया देख रहे हैं। इस वाटर वाले एरिया में जो ये रीजन है जहां पर हमें खुला पानी दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्नेटिक जोन कहते हैं। अब लिम्नेटिक जोन जो है वो खुला है, तो मतलब यहाँ पर ज्यादा सनरेज आएंगी, सूर्य की किरणें ज्यादा आएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो फाइटोप्लैंकटॉन्स पानी के अंदर उगेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणें मिलेगी और वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो लिम्नेटिक जोन जो होती है वो आपकी ओपन एरिया होता है जहां पर सनरेज ज्यादा आती है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो ये लिट्रोलर जोन होती है, LITT, ठीक है, दो बार टी है, फिर ORAL, लिट्रोरल जोन, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, और जो जमीन होती है वो उतनी गहरी नहीं होती, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें एक सफिशियंट मात्रा में नहीं पहुंचती है। ये चीज क्लियर हो गया ना क्लास? तो लिम्नेटिक जोन में ही आपके जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो ज्यादा आपके उगते हैं। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, नौवां प्रश्न। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है, तो बताइए बायोडायवर्सिटी के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, फिर पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, या फिर उपयुक्त सभी। यहां पर जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, ठीक है, में कमी करिए, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। तो देखिए हैबिटेट, अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर जीव जंतु रह रहे हैं, आप जीवों की हैबिटेट को, मतलब जहां पर अगर वो जंगल में रह रहे हैं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जंगल में आग नहीं लगती, वहां की बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हैबिटेट में जब जब डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां की जैव विविधता आपकी खत्म ही होगी। डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर डैम बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, तो अगल बगल के जंगलों को काटा जा रहा है, पानी के फ्लो को वो किया जाए, तो वहां पे जो जीव जंतु है उनको, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है, उसको खत्म, नाश ही तो किया जा रहा है, तो जीव जंतु वहां से चले जाएंगे। तो ये एक रीजन है। पर्यावरणीय प्रदूषण क्यों नहीं, क्यों रीजन है ये, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण नदियां गंदी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं सब। तो बायोडायवर्सिटी का कारण है लॉस का, वनों का नाश, मैंने बताया जीव जंतु रह रहे हैं, उनका घर है वही, काट दो, कहां रहेंगे बेचारे। तो बी आपका सही उत्तर हुआ, सभी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद वाला प्रश्न भी ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अब अगला प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ, दसवां देखिए। दसवें प्रश्न में क्या दिया, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। यहाँ पे क्या बोला गया, रीजन नहीं पूछा गया है, आपसे बोला गया मैक्सिमम थ्रेट किस चीज से है बायोडायवर्सिटी को, ठीक है, अधिकतम संकट किस चीज से है ये पूछा गया है। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। ये यूपीपीसी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम बायोडायवर्सिटी के लॉस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक टर्म जो ऐड किया वो पूछ लिया मैक्सिमम थ्रेट। देखिए अगर वाटर पॉल्यूशन आपका होगा, जल गंदा होगा, तो वहां पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको दिक्कत होगी, बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, ठीक है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूब रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके जो बर्फ वाले रीजन में जो जीव जंतु रह रहे हैं बेचारे, उनको गर्मी के कारण वो रह नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं, तो जैव विविधता लॉस हो रही है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, ठीक है।
फिर ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप क्या करो, एग्रीकल्चरल लैंड में खूब पेस्टिसाइड्स डाल दो, फिर उस पेस्टिसाइड जाके नदी में मिलेगा। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बताया है ना, एल्गल ब्लूम होगा, ठीक है, एक समय बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी से खत्म हो जाएगा, उसमें जो जीव जंतु रहे वो भी मर जाएंगे, तो इससे भी बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। और जो पहला दिया गया है हम सीधे सीधे क्या करें, जो नेचुरल हैबिटेट है उसी को खत्म कर दे रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट जो उनका घर है, सीधे सीधे उनके घर ही को खत्म कर दो, तो उससे भी बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, मैक्सिमम थ्रेट की बात की गई है, ए आप लगाएंगे। अब इन सबको समझो, आपको आप कोई चाहता है कि आप अपने घर में ना रहे, कोई बस्ती है वहां पर लोग रह रहे हैं, अब कोई चाहता है कि वो इस बस्ती में ना रहे, तो क्या करो, यहाँ पे सांप बिच्छू लाके छोड़ दो। सांप बिच्छू लाके छोड़ोगे तो कुछ दिन लोग बच के रहेंगे, सांप को मारेंगे, बिच्छू को करेंगे प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन इसी जगह रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर गंदगी लाके डाल दो तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सफाई करके तब भी यही रहेंगे, लेकिन अगर लोगों को यहाँ से तुरंत हटाना है तो इनके घर ही को तोड़ दो। जब घर टूट जाएगा तो वो रहेंगे नहीं, वो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह घर ढूंढते हुए चले जाएंगे। सेम चीज जो जानवर है उनके साथ भी होता है। तो सबसे ज्यादा थ्रेड उनको कब होगा, जब उनके हैबिटेट को ही खत्म कर दिया जाएगा, जहां वो रहते हैं उसी को खत्म कर दो। पॉल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम नुकसान तब होता है जब उनके घर ही को खत्म कर दिया जाए। तो ए आपका सही उत्तर है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए थे, इसीलिए आप लोग के लिए मैंने इसको डिस्कस किया। 11वां प्रश्न देखते हैं, क्लास 11वां प्रश्न ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, इन सेतु कंजर्वेशन की बात कहा गया, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है, फिर वनस्पति उद्यान की बात की गई है, बोटानिकल गार्डन की बात की गई है, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और वन प्राणी अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की गई है। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है जब भी हम संरक्षण की बात करते हैं हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन कितने तरीके का होता है, मेनली दो कैटेगरी का, इन सेतु और एक्स सेतु, ठीक है। इन सेतु मतलब क्या, जो स्पीशीज जहां रह रहे हैं हम उनको वहीं पर प्रोटेक्शन देते, जैसे नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क में जो टाइगर आपका रह रहा है या जो भी जीव जंतु डियर रह रहा, मंकी रह रहा, उनको उन्हीं के घर में ही सुरक्षा दे दो, ठीक है, जोन बना दो, बफर जोन बना दो, कोर एरिया डिक्लेयर कर दो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये क्या है, इन सेतु, जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वन जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जहां पर रह रहा है उसको हम वहीं पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर जो रह रहा है उसको हम वहीं पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जहां पर है कहीं ले नहीं जा रहे। एक सेतु में क्या होता है, हम उनको उनकी जगह से ले जाकर दूसरे स्थान पर उनको प्रोटेक्ट करें, जैसे जू, जू में जाते हो तो वहां पर अलग अलग जगह से क्या आते हैं, जानवर आते हैं, उनको पिंजरों में बंद कर दिया जाता है, जू क्या है, एक सेतु का एग्जांपल है। बोटैनिकल गार्डन में जो आपके पेड़ पौधे हैं वो कहीं दूसरी दूसरी जगह से लाकर वहां पर प्रिजर्व किए जाते हैं, बोटैनिकल गार्डन आपका बनाया तो दूसरी जगह से लाकर, तो वो एक सेतु हो गया। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, आसान प्रश्न था, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इन सेतु पद्धति का नहीं है ये पूछा गया है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, चलो अगला प्रश्न देखो क्लास 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, वही चीज पूछा गया, कौन इन सेतु का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जब हम बात करेंगे नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर आपका बोटैनिकल गार्डन नहीं है, याद रखिएगा। वनस्पति बाग अभी हमने देखा, वनस्पति बाग सेतु का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस पर डिस्कशन की तो जरूरत नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया। 13 देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है, कोरल ब्लीचिंग का बात की गई है। कोरल्स आपको पता है, कोरल्स क्या होते हैं, देखा है कभी समुद्र के अंदर कोरल्स मिलते हैं, अभी दिखाऊंगी फोटो। तो क्या मेन कारण है कोरल ब्लीचिंग का, जो कोरल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल कलर को लॉस करके वो एकदम व्हाइट हो जाते हैं, इसी वजह से ब्लीचिंग बोला गया। तो किन कारण से, तो ओशियन पॉल्यूशन से, इंक्रीज सैलिनिटी से, या फिर इंक्रीज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर, या फिर स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ठीक है, सेलिनिटी टेम्परेचर दोनों मैटर करता है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव एजेंट की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे वहां पर बायोडायवर्सिटी लॉस में पूछा था कि मैक्सिमम थ्रेट किससे, तो हैबिटेट लॉस, उसी तरीके से यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है वो आपका है जो पानी का टेम्परेचर जो है वो आपका बदल जाता है तब दिक्कत होती है। सी आपका सही, सागरीय जल के समान तापमान में अगर वृद्धि होती है तो, ठीक है, यहाँ पर अब एक बार एक्सप्लेन करूंगी आपको तो समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा सी आपका सही है, कोरल ब्लीचिंग में होता क्या है, ये आपके एक कोरल है, ठीक है, कोरल में आप देखते हैं कि इनके ऊपर एल्गीज होती है, ये छोटी 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 ये जो एल्गीज है, ठीक है, और यही एल्गीज इन कोरल्स को क्या कलर इम्पार्ट करती है, समझिएगा, कलर इम्पार्ट करती है। आपको पता है कि जो कोरल्स होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों एक दूसरे को क्या बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था दोनों प्लस प्लस दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होता है जो एंथली मतलब जो आपकी एल्गीज है उनके बीच में, ठीक है, याद रखिएगा, और कोरल्स के बीच में, तो यहाँ पर और जो एल्गीज है वो इन कोरल्स को कलर इम्पार्ट करती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण या फिर और भी कई रीजंस के कारण जब ये एल्गीज इन कोरल्स को छोड़ के चली जाती हैं तो ये आपके वाइट अपीयर होने लगती है। देखिए क्या लिखा है, कोरल एंड एल्गीज डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, कोरल और एल्गीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को प्लस प्लस बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, कोरल्स को एक जगह चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए रहने के लिए, सॉरी एल्गीज को एक घर चाहिए रहने के लिए तो वो कोरल्स के ऊपर आके बैठ के रह रही हैं, ठीक है, एल्गीज को यहाँ पे और कोरल्स को भी इनसे बेनिफिट हो रहा है, समझिए। फिर एक समय ऐसा आएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनके कारण ये जो एल्गीज है वो इन कोरल्स को छोड़ देंगी, ठीक है, एल्गीज छोड़ देंगी जिसके वजह से जो इनका कलर है वो व्हाइट हो जाता है और इसी को हम ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स कहते हैं। बस ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स होता क्या है, जब एल्गीज कोरल्स को छोड़ देती है, यहाँ पर इसको जब आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, एक कोरल एंड एल्गीज डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होता है। यहाँ पर अगर किन्हीं स्ट्रेस के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण या और भी रीजंस के कारण ये एल्गीज जो है छोटी छोटी वो कोरल्स को छोड़ देंगी तो ऐसा दिखेगा कि जो कोरल्स हैं वो आपके ब्लीच हो गए हैं, क्योंकि ये एल्गीज ही इनको कलर इम्पार्ट करती थी, समझ में आया। विदाउट दी एल्गीज द कोरल लूजेस मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड टर्न्स व्हाइट अ वेरी पेल, एंड यही हमारा क्या कहलाता है, कोरल ब्लीच कोरल कहलाता है। अब यहाँ पे बहुत से रीजंस आपके हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर ओशन का बढ़ जाए, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण, सेलिनिटी के कारण, कई रीजंस होते हैं, लेकिन वहां पर मेन रीजन पूछा था इसी वजह से हमने सबसे पहला रीजन जो है चेंज इन ओशन टेम्परेचर बताया था आपको। ये चीज क्लियर हो गई क्लास, ये चीज क्लियर होगी ना, ये भी ओशन पॉल्यूशन भी एक रीजन है, सेलिनिटी भी एक रीजन है, लेकिन पूछा गया था मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ कोरल ब्लीचिंग तो वो है इंक्रीज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर, ये चीज आप याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अगर हम भारत में देखेंगे प्रवाल भित्ति हमें कहाँ कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप में, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में हम देखेंगे तो कोरल्स वहां पर हमें मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14वां प्रश्न देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग असिस्टेड महात्मा गांधी इन चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे बताइए, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, मणिबहन पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो एबीसीडी में से आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14th क्वेश्चन है ये, तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में आपके थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। आपको पता है ना जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में थे तो उनकी मुलाकात किससे हुई, राजकुमार शुक्ल से हुई, राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पे महात्मा गांधी बिहार गए, ठीक है, वहां पे चंपारण के लोगों से वो मिले और ये किस चीज से था, पूरा नील खेती से रिलेटेड था। आपको ये भी चीज पता होगी कि पहले फार्मर्स पर जोर डाला जाता था कि वो नील की खेती करे, लेकिन मार्केट में यूरोपियन डाई आने की वजह से जो नील की डिमांड थी मार्केट में वो घटने लगी, ठीक है, अब फिर
हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स को तो लॉस झेलना नहीं है, तो लॉस कौन झेलेगा, बेचारा फार्मर झेलेगा। आप उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं और नील की खेती भी आपने जबरदस्ती कराई, डिमांड कम हुई तो वो भी उसका भी बर्डन उन्हीं पर। तो कुल मिला के ये पूरी कहानी थी ऐसे करके। और राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर, मतलब उनके निवेदन पर, महात्मा गांधी बिहार में चंपारण में गए थे। और यहाँ पर उनके साथ कौन कौन था, याद रखिएगा, अनुग्रह, नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, ईयर याद रखिएगा 1917 में, फिर 1918 में आपको पता है ना अहमदाबाद वाला केस, फिर उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये सब याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए अहमदाबाद वाला जो केस था वो मिल के ओनर के अगेंस्ट जो वहां के जो लोग थे उन्होंने सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द आत्मीय सभा, 1816, 1815, 1828, 1839। यहाँ पर हिंदी में देखें तो राजा राम मोहन रॉय ने किस वर्ष में आत्मीय सभा का गठन किया था, एक ऑप्शन आपको नहीं दिया 1839। तो यहाँ पर एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर एबीसीडी में से आपका जो सही उत्तर है वो है 1815, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, चलिए अब राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका सही उत्तर बी था, देखिए 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। अब राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड जो एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं बता दूं। यहाँ पर राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप बताएंगे राम मोहन रॉय को दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है, इन्हें इंग्लैंड भेजा था अपने पेंशन को इंक्रीमेंट करने के लिए और उसी समय इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये याद रखिए, राजा राम मोहन रॉय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतें हेतु इंग्लैंड गए, तभी अकबर द्वितीय ने उनके द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। इसी तरीके से अगर परीक्षा में पूछे कि राजा राम मोहन रॉय को भारत के आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में किसने बोला था, तो वो टैगोर जी ने बोला था, ये भी चीज याद रखिएगा, दोनों पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता है कि 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किया, ठीक है, और यहाँ पर 1821 में याद रखिएगा यूनिटेरियन एसोसिएशन का भी गठन इन्होंने किया था। इधर मैं आ जाती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, 1821 में यूनिटेरियन एसोसिएशन का गठन राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था, ठीक है, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दे तो आप याद रखेंगे पहले आत्मीय सभा है जिसका की गठन इन्होंने 1815 में किया था, 1821 में यूनिटेरियन एसोसिएशन का और 1828 में आपके ब्रह्म समाज का। ठीक है क्लास, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या दिया गया है, वीरी सावरकर और गणेश सावरकर स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मित्र मेला, सावरकर अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ मित्र मेला टू अभिनव भारत। तो मित्र मेला का गठन किसके द्वारा किया गया था, वीरी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका, और आगे चल के मित्र मेले का ही नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो सावरकर ब्रदर्स द्वारा किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्लास, यहाँ पर देख लीजिए आपका सी सही उत्तर था, वीरी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्रित हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर बाद में अभिनव भारत कर दिया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब 18 दिया गया है यहाँ पर, इसको आप 17 कर लीजिए। अब 17 क्वेश्चन को हम देखेंगे, 18 नहीं 17 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी कहां से पास होती है, ये पूछा गया है, अफ्रीका, पैसिफिक ओशियन, एशिया या फिर अटलांटिक ओशियन। तो आईडीएल को जब आप देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो ये पैसिफिक ओशियन से पास होती है। यहाँ पर मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी, तो यहाँ पर देखिए क्लास, ये देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इधर आप देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक रीजन, तो ये पैसिफिक ओशियन से आपकी पास हो रही है। ठीक है, तो
वहां पर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये आपका 18वां प्रश्न है, यहाँ पे 19 दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक मिनट क्लास, यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, गल्फ स्ट्रीम क्या है पूछा गया। व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम? रिवर इन द गल्फ, ओशियन, ओशियनिक करंट, सरफेस करंट, एंड अदर नेम फॉर द जेट स्ट्रीम। तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या है, ओशियनिक करंट है, ठीक है, एक महासागरीय धारा है। अब आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम महासागरीय धारा को एक बार पढ़ा दीजिएगा, तो इसीलिए इस प्रश्न को लाया गया है। यहाँ पर देखिए महासागरीय धारा अगर आप देखेंगे तो ये आपको इक्वेटोरियल रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इधर आपको पोल्स दिखते हैं। अब आप मुझे बताइए पोल्स में जो समुद्री जल होंगे वो ठंडे होंगे गर्म? ठंडे होंगे, मानते हो? वेरी गुड। जो इक्वेटोरियल रीजन में होगा वो आपका यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ी तो गर्म होगा, ठीक है। तो अगर कोई जो करंट है वो आपका इक्वेटर की तरफ से पोल की ओर जा रहा है तो वो कैसी धारा होगी? वो गर्म जल धारा होगी, ठीक है, वो हॉट ओशियनिक करंट होगा, गर्म होगा ना। और अगर कोई पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो वो कैसी होगी? वो ठंडी होगी, ये भी मानते हो? देखिए यहाँ पर जो इधर से आएगी तो वो आपकी कैसी करंट होगी? वो आपकी कोल्ड करंट होगी। और जो इधर से पोल की तरफ जाएगी वो आपकी कैसी करंट होगी? वो आपकी गर्म जल धारा होगी। ये चीज क्लियर हो गई? अब ये ओशनिक करंट है आपकी, जहां पर गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा मिलती है वहां पर फिशिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, वहां पे ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। आप यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो कोल्ड करंट है उसको याद कर लो, जितने भी कोल्ड करंट है, ठीक है, हॉट करंट आपको फिर एलिमिनेट कर लेना पेपर में, कोल्ड करंट याद कर लो क्योंकि कम है। यहाँ पर देखो सबसे पहला कोल्ड करंट हम देखें, यहाँ पर अगर ये आपको दिख रहा है पेरू, क्या दिख रहा है? पेरू, याद रखिएगा, ये क्या है? साउथ अमेरिका, तो इधर पेरू, यहाँ पे चिली है ना, तो इधर की रीजन है पेरू है, इधर वेंगुला, याद रखिएगा। तो अफ्रीका में आपको क्या याद रखना है, कोल्ड करंट कौन सा? वेंगुला, ठीक है, इधर आपको पता है पेरू, चिली, ये सब है, इधर पेरूवियन, याद रहेगा, ठीक। इधर आओगे तो इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कोल्ड करंट दिखेगा, याद रहेगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोल्ड करंट, ठीक। इधर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको लैब्राडोर मिलेगा, लैब्राडोर, याद रखिए, ब्रिटेन की तरफ लैब्राडोर। इधर अफ्रीका में ऊपर की तरफ अगर आप आएंगे तो इधर कैनरी, पेरू, बेंगुला, कैनरी, ठीक है, लैब्राडोर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पर। फिर यहां पर ओयाशियो, जापान की तरफ, और इधर कैलिफोर्निया। बस देखो अब आपको क्या करना है, आपको कोल्ड करंट के नाम याद रखने हैं, हॉट करंट आप पेपर में एलिमिनेट कर लोगे, 5-6 बार इसको पढ़ोगे, बस देखना जरूरी। यहाँ पर ये है कि कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो ओशनिक करंट है ये पैसिफिक का है कि दूसरे ओशन करंट है, ठीक है, तो अटलांटिक का है कि पैसिफिक का, ऐसे भी प्रश्न बनता है, तो ये आप याद रखिए। बस यहाँ पे कैलिफोर्निया, इधर पेरू, इधर वेनेजुएला, इधर कैनरी, लैब्राडोर, इधर ग्रीनलैंड, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और उधर ओशन, ठीक है, ये याद रखेंगे तो आपको हॉट ऑटोमेटिकली याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और तो कुछ इसमें बताना नहीं है, अगर कुछ और बताना होगा तो बताइएगा। फिजी आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? डायरेक्ट प्रश्न है, अटलांटिक में, पैसिफिक में, इंडियन में, कि आपके अरेबियन सी में। तो फिजी जो है वो आपका लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में, बी आपका सही उत्तर है। कौन सा सही उत्तर है? बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, मैप में दिखा दो एक बार आप लोगों को, मैप में देख लीजिए, ये रहा, ये रहा फिजी, ठीक है, इसकी राजधानी सुबा है, क्या है? सुबा है। कहां पर है? पैसिफिक ओशन में, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग क्लास, 21वां प्रश्न, अ टनल कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्टिंग यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। स्ट्रेट का पूछा, जल संधि का पूछा है, तो बता दीजिए, जल डबरू, जल डबरू मध्य, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया, स्ट्रेट के बारे में पूछा गया है।
तो डेविस, डेनमार्क, डोवर या फिर जिब्राल्टर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डोवर। सी आपका सही उत्तर है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कनेक्ट करने की बात कही गई है, मैं आपसे दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है जल्दी बता दो? यहाँ पर आपको डोवर स्ट्रेट दिख रहा है, दिख रहा है डोवर स्ट्रेट। इधर आपको फ्रांस दिख रहा है, इधर आपको यूके मिल जाएगा, यहाँ पे इंग्लैंड वाला पोर्शन है। ठीक है, डोवर स्ट्रेट दिख गया। और देखते हैं हम और स्ट्रेट को एक दो बार। जिब्राल्टर अगर आप देखेंगे तो देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर आपको स्पेन दिख रहा है, इधर आपको मोरक्को दिख रहा है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि जो है किसको किसको अलग कर रही है? मोरक्को को स्पेन से। ये आपका अफ्रीका का पार्ट हो गया ना। चल, ये चीज समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जोड़ किसको रही है? इधर अटलांटिक सी दिख रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उधर मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। अगला देखेंगे हम यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, इधर आपको डेविस स्ट्रेट दिख रहा होगा। ये क्या है? डेविस स्ट्रेट। इधर ग्रीनलैंड दिख रहा है, इधर आपको कैनेडा वाला रीजन दिख रहा है। अगला देखिए, तो सी आपका सही उत्तर था जो हमने डिस्कस कर लिया है। इस प्रश्न को अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ट्रोपोस्फियर की बात की गई है, वेदर फिनोमिना। देखिए जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। एकदम सही है। स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में हम देखेंगे तो यहां पर ओजोन सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आयनोस्फीयर में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, और मेसोस्फीयर में पोलर लाइट की बात की गई है। यहाँ पर आपका गलत क्या है? डी आपका गलत है। ठीक है, ये चीज पता है क्लास आप लोगों को ना, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी आपकी घटनाएं होती है वो ट्रोपोस्फीयर में होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि पृथ्वी की सतह की ओर यहाँ पे अब आपको मैं ड्रॉ करके बता सकती हूँ, यहाँ पर मौसमी संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं ज्यादातर वो कोशिश की जाती है कि स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया जाए, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन और ये सब नहीं होता है। लेकिन एकदम मतलब ट्रोपोस्फीयर जहां खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जहां शुरू होता है, वहीं पर मेनली आपकी प्लेन्स उड़ाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर में उड़ाई जाती है, ज्यादातर उस पर कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए, जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल में से होता है। ठीक है, आयन मंडल में आपको पता आयन होते हैं उस वजह से। तो ये तो चीजें आपको क्लियर ही है क्लास की। ओजोन जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, कल ही वाली क्लास में मैंने आपको बताया है, समताप मंडल में। कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। 23rd क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित को भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग रीजन इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न हिमालय दिया है। परसेंटेज के हिसाब से दिया है, तो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट यहाँ दिया है, यहाँ दिया है और यहाँ दिया है। वेस्टर्न घाट के बाद हम देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट होगा। ईस्टर्न कोस्ट आपका यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। फिर ईस्टर्न कोस्ट के बाद वेस्टर्न हिमालय होगा और फिर ईस्टर्न हिमालय होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण क्रमश पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय का है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24th। रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये बोला गया है। इस समझौते के तहत ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब और झेलम के जल का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। फिर है या समझौता सितंबर 1959 में हुआ था। तो बताइए इसमें आपका सही क्या है? इसमें आपका केवल एक सही है। क्यों? जो समझौते का ईयर दिया गया है यहाँ पर क्लास, वो आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये समझौता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था, ना कि 1959 में। और आपको पता है उस समय के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के
जो राष्ट्रपति थे वो आपके अयूब खान थे। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 25वां प्रश्न क्या है, हमें मैच करना है। एक तरफ पोर्ट सिटी दी गई है, दूसरी तरफ आपको रिवर दी गई है, तो लंदन, सेंट लुइस, न्यूयॉर्क और शांघाई। चलिए मैच करिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए क्लास, मैं थोड़ा सा स्लाइड के इधर होती हूँ। ठीक है, मैच करिए। चलिए आप लोग, तो यहां पर हम जब लंदन की बात करेंगे तो लंदन में कौन सा है, थेम्स है ना, तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए की जगह दिया गया। चलिए और देखते हैं, सेंट लुइस की बात करेंगे तो मिसिसिपी। ठीक है, न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो हडसन, शांघाई की बात करेंगे यांगटे। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर निडल लीफ फॉरेस्ट फाउंड। निडल लीफ फॉरेस्ट हमें कहां देखने को मिलेगा, सवाना में तो ग्रासेस होती ना, सवाना ग्रासलैंड की हम बात करते हैं, तो वहां पे ग्रासेस। कॉन्टिनेंटल साइबेरियन में ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर नो क्वालिटी है। आप लोग देखे हो ना, जब क्रिसमस आता है तो नो कॉनिफोरस फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, कुछ इस तरीके की। तो जहां पे ठंडा प्रदेश होता है, साइबेरियन रीजन में ऐसे फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं क्लास हम लोग, 27वां प्रश्न, पक्कलदुल डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, बताइए। चेनाब, झेलम, सतलज, इंडस, डायरेक्ट प्रश्न है, तो ये चेनाब पर, ए आपका सही उत्तर है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है आपका, तो इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 28वां प्रश्न, यहाँ पर ओर दिए गए हैं और आपको स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो मैच करिएगा, बताइए। सबसे पहले तो देखिए, ए में आपका 1 दिया है और 4 दिया है, इन दोनों से कोई एक होगा, तो यहां पर आपका ए के साथ हम मैग्नीज के साथ मध्य प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद निकेल की हम बात करेंगे, तो निकेल कहां पर बताइए जल्दी से मुझे, निकेल उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा बी का सेकंड। फिर लेड जिंक की बात करेंगे तो राजस्थान, और एबेस्टस की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश। सी आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। देखिए, मैग्नीज का मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा। ठीक है, जिंक और उसकी बात करेंगे रिश्ता, तो ये आपका राजस्थान, और एस्बेस्टस की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, खनन के लिए बात करेंगे। हाँ, ये ठीक है ना। हाँ, 29 देखते हैं हम, विच रिवर इन इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय डीप गली इरोजन, तो बताइए। कोसी, चंबल, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, तो सही उत्तर क्या है, आसान प्रश्न है यहाँ पर, तो जल्दी से बता दीजिए, चंबल, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। भारत की चंबल नदी जो है वो गली इरोजन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न और आपकी क्लास का आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, विच रैंक इज सेकेंड, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, बताइए क्लास। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है वेस्ट बंगाल, डी आपका सही उत्तर है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें एक बार, तो व्याख्या देख लीजिए यहां पर क्लास, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए आज इसी प्रश्न के साथ हम अपने सेशन को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्लास आप लोग जो भी टॉपिक बोल रहे हैं कि मैम इन टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर करिए, उसको मैं एक जगह नोट डाउन कर रही हूँ, और आने वाले क्लास में हम उसको प्रश्नों के माध्यम से जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने प्रति वफादार रहिए। ठीक है,
बार बार एक ही बात बोलूंगी, जब भी घबराहट लगे, हौसला कम लगे, तो मिरर के सामने खड़े होके कहिए कि मैं नहीं क्वालिफाई करूंगा तो कौन क्वालिफाई करेगा, पढ़ मैं रहा हूँ, पेपर्स मैं लगा रही हूँ, ठीक है, रात दिन एक मैं कर रही हूँ, तो मेरा ही तो क्वालिफाई होगा। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, आपका पेपर जरूर निकलेगा। चलिए आज के सेशन को यही पेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास।